नमस्कार दोस्तों, ये दर्दनाक दास्ता है आईएएस अधिकारी चल रही विशाखा की। उत्तर प्रदेश के शामली में सुबह हो रही थी और ये सुबह खुद के साथ झमाझम बारिश लेकर आई थी। दरअसल ये दिन था रक्षाबंधन का। विशाखा, जी हाँ विशाखा, जो कि दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रही थी, वह घर भाई को रक्षाबंधन बांधने के लिए आई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था और घर में खूब हलचल भी थी, और हो भी क्यों ना, ये त्योहार भी तो रक्षाबंधन का था। तभी खबर आती है कि बाहर चित्रा के मौसी का लड़का आया हुआ है। चित्रा, जो कि विशाखा की भाभी थी, आज भाभी से राखी बंधवाने उसका भाई किशोर आया था। अब भाभी के साथ विशाखा भी बाहर आती है और किशोर राखी बंधवाता है और धीरे से अपनी बहन चित्रा के कानों में कहता है कि दीदी बात करो ना। दरअसल किशोर अपनी दीदी से अपने रिश्ते की बात विशाखा के लिए करवाना चाहता था, और तभी भाभी उसे आश्वासन देकर धीरे से कहती है कि तू जा, मैं आज बात करती हूँ, और किशोर विशाखा की चाह में चला जाता है। तभी विशाखा की भाभी किशोर के रिश्ते की बात परिवार वालों के सामने शुरू कर देती है, और जैसे ही यह बात विशाखा के कानों में जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जैसे ही विशाखा की भाभी ने इस रिश्ते की बात परिवार वालों के सामने रखी, वैसे ही परिवार के सभी सदस्यों को किशोर इतना भा गया कि वे विशाखा के एंगेजमेंट किशोर के साथ इसी रक्षाबंधन की छुट्टियों में करा देना चाहते थे। ये सुन विशाखा खूब रोती है। अभी दो दिन पहले अलग मूड में रक्षाबंधन बांधने आई विशाखा समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है, और सबने यह तय कर लिया था कि विशाखा को अब दिल्ली नहीं जाना है। विशाखा झट अपनी माँ के पास जाकर रोने लगती है। सभी यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह विशाखा की भी चाहत बहुत ऊंची थी। वह डीएम बन एम्बेसडर वाली लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठना चाहती थी, लवासना आईएएस ट्रेनिंग में मसूरी के वादियों के आनंद लेना चाहती थी, और विशाखा की ऐसी बहुत सी ख्वाहिशों को एक पल में मारने का प्रयास जोरों से जारी था। तभी माँ के पास विशाखा का बड़ा भाई विनय पहुंचता है और साथ साफ शब्दों में यह आदेश देता है कि देख किशोर बहुत अच्छा लड़का है, और क्या दिक्कत है तुझे, अच्छा कमा लेता है, सब कुछ तो है। जैसे ही अच्छा कमाने वाली शब्द विशाखा के कानों में जाते हैं, वह और रोने लगती है, क्योंकि यूपीएससी की ख्वाहिश रखने वाली लड़की अपनी जिंदगी को एक काल कोठरी में कैद होने नहीं देना चाहती थी, जिसके सपने आईएएस बन जिला संभालने, पावर में आने, पुलिस अधिकारियों के बीच रहने के थे। उस लड़की को अचानक से शादी कर गृहिणी के रूप में कैद होने के लिए कहा जा रहा था। विशाखा, जो कि पिछले दो सालों से दिल्ली में थी और यूपीएससी की कोचिंग कर रही थी, उसकी आधे से ज्यादा तैयारी हो चुकी थी, और सभी यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह दिल्ली में उसका एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता था। दिन भर किताबें पढ़ना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखना, करंट अफेयर पढ़ना, ये सब विशाखा के जिंदगी की आदत बन चुकी थी। लेकिन इन आदतों को छुड़ाकर घर वाले उसे दूसरी आदत दिलाना चाहते थे। दरअसल किशोर, जो कि विशाखा से उम्र में 6 साल बड़ा था और एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता था, उसे विशाखा खूब पसंद थी। लेकिन विशाखा को तो आईएएस की गाड़ी, रुतबे, पावर और समाज सेवा के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। अब सबने तय कर लिया कि आने वाले मंगलवार को विशाखा और किशोर की एंगेजमेंट करा दी जाएगी। इधर विशाखा लगातार परेशान थी और अपने फ्रेंड्स को इस बारे में सारी जानकारी देती है। उसकी दोस्त पूर्णिमा विशाखा को समझाती है कि देख, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, जो करना है कर। अब विशाखा ने ये तय कर लिया कि वह एंगेजमेंट नहीं करेगी और आने वाले मंगलवार से पहले ही वह दिल्ली निकल जाएगी। लेकिन विशाखा के सामने अनेक चुनौतियां दामन फैलाए खड़ी थी कि यदि वह दिल्ली चली भी जाए तो उसका खर्चा कैसे निकलेगा। लेकिन विशाखा ने यह ठान लिया कि खर्चा और इत्यादि की टेंशन दिल्ली जाकर ही करूंगी, और वह धीरे धीरे बिना किसी को बताए अपना सामान पैक कर लेती है। अब सब सभी के लिए तो सब कुछ सामान्य चल रहा था और परिवार वाले आने वाले मंगलवार का वेट कर रहे थे।
कि रात हो जाती है और विशाखा ने अपना प्लान तैयार कर लिया था। अगली सुबह वह बिना किसी को बताए सुबह सुबह की ट्रेन से दिल्ली निकल जाती है। और अब जब सुबह लोग उठते हैं और इसकी जानकारी परिवार वालों को लगती है तो वे गुस्से से लाल हो जाते हैं। विशाखा का भाई लगातार विशाखा को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन नंबर स्विच ऑफ जाता है। तभी देर शाम विशाखा का नंबर लग जाता है और भाई उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। इधर विशाखा की भाभी के भी तेवर चढ़े होते हैं और चढ़े भी क्यों ना भाई की एंगेजमेंट जो टूट गई थी। अब विशाखा साफ साफ कह देती है कि उसे जिस शादी नहीं करनी और इस पर भाई भी जवाब देता है कि ठीक है देखता हूँ तू दिल्ली में कैसे रहती है, आज से तेरा सारा खर्चा बंद और फोन रख देता है। अब विशाखा के सामने यूपीएससी के सिलेबस के साथ साथ खर्चों की भी जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे तैसे कर 15 दिन के खर्चे तो चल जाते हैं लेकिन अब आगे का क्या। विशाखा की दोस्त पूर्णिमा उसे एक टीचिंग कंसल्टेंसी का नंबर देती है और उसके माध्यम से अब विशाखा 9वीं और 10वीं के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर देती है और हर महीने इतने पैसों का जुगाड़ कर लेती है कि वह दिल्ली में रह सके। अब वह अपनी तैयारी में जोरों से लग जाती है लेकिन हर रोज किशोर उसे फोन कर परेशान करता रहता। लेकिन विशाखा को तो लवासना की वादियों से प्यार हो चुका था। विशाखा हर रोज बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खुद से 12-12 घंटे पढ़ने लगती है और कई बार तो जिन बच्चों को वो पढ़ा रही होती है उनकी किताबों से भी बहुत कुछ सीखती है। क्योंकि कहते हैं कि यूपीएससी में यदि आप अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की 6वीं से 12वीं तक की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। अब विशाखा को ट्यूशन देने में भी काफी मजा आने लगा था क्योंकि ट्यूशन में पैसों के साथ साथ उसे रोज नॉलेज भी मिलती। धीरे धीरे यूपीएससी की एग्जाम यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा आ जाती है और विशाखा पास हो जाती है। और जब यह बात किशोर को पता चलती है कि विशाखा यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पास हो गई है तो वह रोजाना उसे फोन कर परेशान करने लगता है। दरअसल किशोर अब विशाखा के लिए हुन्नस से पाल लेता है और वह नहीं चाहता कि विशाखा आईएएस बने। लेकिन विशाखा अपनी तैयारी में पूरी तरह समर्पित रहती है और मेंस परीक्षा भी पास कर लेती है। लेकिन इसकी जानकारी वह अब ना ही घर वालों को देती है ना ही किशोर को। अब किशोर को इस बात का पता ही नहीं चलता क्योंकि जैसे ही अब बात घर पहुंचती थी विशाखा भी भाभी किशोर को बता देती थी। इधर अब विशाखा इंटरव्यू का इंतजार करती है और इंटरव्यू भी खत्म हो जाता है और ईश्वर की विडंबना तो देखिए विशाखा अपनी कड़ी लगन और मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा में 177वां रैंक लाती है। और जब यह बात घर पर सभी को पता चलती है तो सभी को अपने किए पर पछतावा होता है। विशाखा का भाई झट से अपनी बहन विशाखा को लेने दिल्ली आ जाता है और अब विशाखा को वो सब कुछ पा चुकी थी जिसका उसे इंतजार था। वो एम्बेसडर वाली गाड़ी, वो पावर, वो रुतबा, वो जिससे कि पुलिस कप्तान अधिकारियों के बीच मीटिंग करने का मौका, आज सब कुछ है विशाखा के पास। लेकिन यदि उसने रक्षाबंधन वाले दिन सबकी मान शादी के लिए हाँ कर देती तो शायद आज विशाखा आईएएस विशाखा नहीं होती। जी हाँ, शायद आज विशाखा आईएएस विशाखा नहीं होती। दोस्तों, यदि आपने अपने लक्ष्य के प्रति अपना मूड बना लिया है तो कोई भी लक्ष्य हो, ABCD, IAS, IPS, SSC की तैयारी करो, कोई भी तैयारी करो, यदि आपने अपना लक्ष्य मूड बना लिया है तो उस मूड पर बने रहें। जो भी लक्ष्य है आपका, मुझे उम्मीद है विशाखा की इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि सीखने को मिला तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को प्लीज इतना शेयर करें कि हर मोबाइल तक ये वीडियो आज पहुंचनी चाहिए। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि आप इन वीडियोस को, जितनी सीरीज वीडियोस की, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। यदि आप पहुंचाएंगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें कि इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया है। यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज
ये कमेंट बॉक्स में लिख दें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक हमने शेयर किया है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।